जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जो कि टर्म टू के सीबीएसई में एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें आपका नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एनपीओ चैप्टर 10 मार्क्स का आ रहा है। 40 मार्क्स के पेपर में 10 मार्क्स का ये चैप्टर 25% कवरेज रखता है, 25%। और जहां तक लगता है कि इंटरनल चॉइस आपको इस बेसिस पर बहुत ही कम मिलने वाली है, मिलेगी तो शायद 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलेगी, 5 मार्क्स और 2 मार्क्स में बिल्कुल भी कोई चॉइस नहीं है इस क्वेश्चन को देखकर। तो अगर ये चैप्टर आपको अभी भी करने के बाद भी कठिन लग रहा है, तो मैं आपको सिंपल सा इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। आप इस चैप्टर से रिलेटेड मेरी 8 कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं जो कि मेरे चैनल के होम पेज पर ही मिल जाएंगे आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, उनसे देखकर वीडियो के नोट्स बना ले, छोटी छोटी वीडियोस हैं, उन नोट्स को जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी, लाइक सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, लाइक डेप्रिशिएशन से रिलेटेड, लाइक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, लाइक फंड में कब कौन सी चीज जाती है कौन सी चीज नहीं जाती है। इसके अलावा जो दूसरी बात करूं मैं, स्टिल आपके पास प्रॉब्लम बचती है कि आपका बड़ा वाला जो क्वेश्चन है जो बुक में है, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट वाला, फिर भी आपसे मैच नहीं करता है या आपका आंसर एक बार में ठीक नहीं आता है, तो जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप पर मैंने जीनियस लाइव वर्कशीट के नाम से एक टैब बना रखा है। वहां पर एनपीओ की 3 या 4 वर्कशीट है, 3 या 4 दिन में जो कि कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपका एक भी आंसर गलत नहीं आएगा, एक भी, चाहे आप डीके गोयल सर की बुक से करो, टीएस ग्रेवाल सर की बुक से करो या किसी भी सैंपल पेपर से करो, आपका वो आंसर गलत बिल्कुल भी नहीं आएगा एक बार आपने जीनियस लाइव वर्कशीट कंप्लीट कर ली तो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे फर्दर क्वेरीज और इन्फॉर्मेशन के लिए 7906786321 पर।